नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। देखिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है 10/1/2020 की। इसमें क्या था कि बहुत लोगों का क्या था, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा था कि कौन से वो ईयर के हैं। ईयर यहाँ चॉइस करते थे लेकिन उनका ऑप्शन नहीं आता था, अपना रिजल्ट देख नहीं पाते थे। अब सभी लोगों को अपना अपना रिजल्ट देख पाएंगे। नया अपडेट हो चुका है, ITI फर्स्ट ईयर रिजल्ट 2019 का जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट था अब वो जारी कर दिया गया है सभी राज्यों का। सब लोग अपना रिजल्ट जाकर चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है और जो परेशानी हो रही थी आपको रिजल्ट चेक करने में, उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल से बता देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको हम दिखाते हैं कैसे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले वो आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर NCVTMIS.gov पर। यहाँ पर आ जाएंगे, आने के बाद आपको करना है यहाँ पर वेरिफिकेशन में क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा, इसमें मार्कशीट वेरिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक खुल जाएगा। देखिए इसमें आपको करना क्या है कि एक नई यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए जैसे आपका रोल नंबर, इस पर आप फिल करते हैं रोल नंबर है तो यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर और रजिस्टर नंबर दोनों भी आप डाल सकते हैं। यहाँ आपको सेमेस्टर एग्जाम चॉइस करना है, मतलब एग्जाम आपको चॉइस करना है सेमेस्टर एनुअल। यहाँ आपको डालना है ईयर, देखिए यहाँ पर ईयर आ नहीं रहा बहुत लोगों का और यहाँ पर ईयर ऑप्शन चॉइस नहीं आ रहा, कैसे आएगा। देखिए आपको करना क्या है, जो आपका रोल नंबर होगा 00 करके 170 करके ऐसे जो भी आगे होगा, तो उसमें आपको करना क्या कि 00 ना लगाकर, यहाँ पर 00 को ना लगाकर कैपिटल आर लगाना है। क्या लगाना है, कैपिटल आर लगाकर उसके बाद जो आपका रोल नंबर होगा वो अपना आगे आप डाल देंगे। जैसे 00 हटाकर कैपिटल आर लिख कर, 00 हटाकर कैपिटल आर लिख कर 170 जो भी आपके आगे नंबर होगा रोल नंबर, उसको आप डाल देंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे ऑप्शन को खोलना है। देखिए हमने यहाँ पर रोल नंबर फिल किया और यहाँ पर 00 हटाकर कैपिटल आर लगा दिए हैं, आप ध्यान से आप देख भी सकते हैं। और उसके बाद आप करना कि यहाँ पर आपको एग्जाम सिस्टम में चॉइस करना है, जो भी आपका एग्जाम सिस्टम है तो हम यहाँ पर एनुअल चॉइस कर लेते हैं। कौन सा चॉइस कर लेते हैं, एनुअल। यहाँ आपको 00 हटाकर कैपिटल आर लगा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ईयर का सिस्टम बन के आ गया है और यहाँ पर आप ईयर आप चॉइस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ईयर बन के आ गया है, यहाँ पर आप डाल दीजिए इसको, फर्स्ट ईयर डाल दीजिए यहाँ पर। जैसे आप डाल देंगे फर्स्ट ईयर, उसके बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना रिजल्ट चेक करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको जानना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपनी ओरिजिनल मार्कशीट फर्स्ट ईयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस माध्यम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल डाउनलोड करना चाहते हैं इस फॉर्मेट में, तो इसका अभी वीडियो पहले से बनकर तैयार है कैसे आपको डाउनलोड करना है। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए उस वीडियो को देखिए और ऐसी मार्कशीट फर्स्ट ईयर की आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट से। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, जो भी आप कन्फ्यूजन हो सब कुछ दूर की जाएगी।